वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, और आज ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने पोहा, और सबने खा भी लिया है गाइस, क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी। शाम लेट हो गए थे सोने में, तो फटाफट से खा ब्रेकफास्ट किया। और गाइस अब मैंने बनाया है आलू गोभी और पूड़ी बनाने वाली हूँ आज मैं। और आदे जी ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं दीदी को छोड़ने, क्योंकि दीदी को वापस घर जाना था अपने, पड़ेगा मेरे को जाना। और बच्चे भी साथ गए हैं, आयुषी अभिकरण, सो वो गए हैं छोड़ने उनको। और मैं लग गई हूँ दिन के खाना बनाने के लिए, जो कि आलू गोभी मैंने आपको बताया। और आज मैं कपड़े भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि कलर वाले कपड़े पड़े थे बहुत सारे, और थोड़ा सा घर भी अव्यवस्थित हो रहा था, वो भी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि गैस थे कई दिन से घर में। सो गाइज फटाफट से, और देव की बुक्स कवर करने वाले हैं आज हम, क्योंकि ये काम पूरा निपटाने के बाद, अभी नहा ही नहीं हूँ क्योंकि सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तो सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं देव की बुक्स करती हूँ कवर, और थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर। दिन के 12:30 बज चुके हैं, और देखिए देव तो पनीर खा रहा है, क्योंकि ये आलू गोभी नहीं खाता है, इसलिए मैंने आलू गोभी बनाई है। ये पनीर और पूड़ी खा रहा है, और उधर आलू गोभी मेरी बन चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और आदेश जी आने वाले हैं। बस देखिए आलू गोभी बन चुकी है, इधर पूड़ी आप बन रही है, और आदेश जी थोड़ी देर में आने वाले हैं। दीदी को छोड़कर आ चुके थे, वो मंदिर गए हुए हैं नहा धो के, और अब मैं फिर उनको भी ब्रेकफास्ट सॉरी लंच देने वाली हूँ, और खुद भी लंच खाने वाली हूँ। सो गाइज बस नहाना भी हो चुका है, सारा काम कंप्लीट है, बस बुक्स कवर करनी है मुझे। नहीं जी मेरा खाना भी आ चुका है, और देखिए मैं आलू गोभी और अचार और पुड़िया खाने वाली हूँ, और देव भी मेरे साथ ही बैठ के खा रहा है। हालांकि ये इसे मैंने पहले दे दिया था, और अपने लिए बना कर ले आई हूँ। आदित्य जी अभी नहीं आए हैं क्योंकि भूख लग रही है तेज, दिन के बज रहे हैं 1:30, और इसके बाद मैं फिर वापस से आपको मिलने वाली हूँ थोड़ी देर में। गाइस 3 बज गए हैं, और हमने कुछ बुक्स पे कवर भी कर लिया है, कुछ पे भी रह रहा है, और हम देख रहे हैं टीवी, और टीवी देखते देखते मैं और देव खाने वाले हैं दही बड़े। देखिए 2 स्पून मैंने लगा दिए हैं, तो देव और मैं क्या एंजॉय करने वाले हैं, बल्ले बल्ले दही बड़े। तो गाइज खा लेते हैं, चलो आप भी खाइए, आपने भी होली पे बनाई होंगे, गुंजिया बनाई होगी, गोलगप्पे बनाए होंगे, चाट बनाई, चाट की बहुत सारी वैरायटी है जो आपने बनाई होगी, तो आप भी इंजॉय कीजिए और मैं भी खा लेती हूँ। सो गाइज देव कर रहा है अपने बुक्स को कवर, और लगभग इसने सारी कर लिया है, 1-2 बुक्स बची हैं, और दिन के बज रहे हैं 3 जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस शाम के 5 बज गए हैं, और मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए, और मैं ले आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाकर अपनी, और देव भी मेरे पास लेटा हुआ था, लेकिन देव टीवी देख रहा था। सो मैं ब्रेकफास्ट भी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा किचन का काम निपटाते हैं, बर्तन वर्तन ने थोड़े से, और फिर जाएंगे आज वॉक करने, बहुत दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद। तो गाइस हम जा रहे हैं वॉक करने, और 6:30 बज गए हैं, अब देखते हैं कौन कौन मिलेगा नीचे। बच्चे मैच खेल रहे हैं, देव बन रहा हार्दिक पांड्या, ते किधर आई थी अभी। गाइस हम वो करके आ चुके हैं, और देव भी खेल के आ चुका है नीचे से, और आज सभी नहीं घूमे हम, बस मैं रेखा भाभी और रीता भाभी थे। सो गाइस देखिए देव ने बना ली अपने लिए आकर मैगी, और मैंने बनाया, देव ग्लास उठाओ अपना, मैंने बनाया गाइस स्ट्रॉबेरी शेक, देव का भी रखा है बेड पे, और मैं बस शेक पीने वाली हूँ, और देव मैगी और शेक पिएगा, और रात का डिनर हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि आदेश जी खाना खा कर आएंगे क्रेशर से आज, तो हमारा बस ये डिनर है गाइस हमारा। सो ये पूरा पीने के बाद और इन्जॉय करने के बाद वापस से आपको मैं मिलती हूँ, अपडेट देती हूँ। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:15, और अभी अभी हमने दूध वगैरह पिया है, ओट्स खाए हैं मैंने, और देव के पापा देख रहे हैं टीवी, जो कि मैच चल रहा है आज IPL, क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं तो मैच देख रहे हैं, देव भी, देव के पापा भी, और मैं भी मैच ही देख रही थी गाइस। शाम के टाइम मैंने बहुत सारी प्रेस करी, तो शाम को वॉक करने मैं थोड़ा सा वॉक करने गई थी, और फिर हम आ गए ऊपर। सो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोज चाहिए तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियोज बनाने की उस तरह की। सो अब क्या करना है आपको, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब लेती हूँ आपसे विदा, ओके बाय, गुड नाइट।